गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। अभी नवरात्रि का फेस्टिवल चल रहा है ना, तो अभी लास्ट वीडियो में हमने डांडिया बनाया था, तो अभी आज हम ड्राइंग करने वाले हैं। और ड्राइंग में हम एक फिगर गरबा गाती हुई एक फिगर ड्रॉ करेंगे, और वो किस तरह से करनी है चलो अभी हम देखते हैं। देखो आपको ओनली वन फिगर ड्रॉ करनी है सिंपल, तो आपकी जो ड्राइंग की बुक है वो आपको स्टैंडिंग में रखनी है, स्टैंडिंग में हमें ड्रॉ करना है। तो फिगर ड्रॉ करने के लिए फेस बनाना है तो सर्कल बनाएंगे, फेस बनाने के लिए सिंपल साइज सर्कल ड्रॉ करना है। सिंपल ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स का यूज़ करके ही हम फिगर बनाएंगे, एकदम इजी टेक्निक से बता रही हूँ आपको। सर्कल के नीचे हमें दो ऐसे लाइन बनानी है, जैसे ट्राइंगल का शेप होता है बिल्कुल वैसे ही नीचे जॉइन कर देनी है ये दो लाइन, और दो लाइन क्रॉस में होना चाहिए, ऑपोजिट साइड में होनी चाहिए। फिर क्या करना है, यहाँ पे हम बनाएंगे हाथ, तो हाथ की जो लाइन है दो लाइन इक्वल होनी चाहिए, लेकिन थोड़ी कर्व्स मतलब उसको मोड़ के थोड़ी लाइन करना है। अगर आपको हाथ में भी डायरेक्ट अगर उंगलियाँ नहीं करनी है तो खाली सिंपल सा राउंड बनाओगे तो भी चलेगा, मैं आपको दूसरे हाथ में ऐसे बता रही हूँ। देखो ऐसे उंगलियाँ नहीं करनी तो सिंपल ऐसे राउंड बना दो तो भी चलेगा। फिर हाथ में हम बनाएंगे डांडिया, क्योंकि ये गरबा खेल रही है, तो हाथ में इस तरह से डांडिया ड्रॉ करेंगे और डांडिया के नीचे ऐसे दो लाइन बनाएंगे। भी यहाँ पे फेस में क्या करेंगे, नीचे हेड का जो पार्ट होता है लाइन करके अलग करेंगे, सिंपल आईज ड्रॉ करेंगे तो दो लाइन दो आईबॉल ऐसे सिंपल, नोज के लिए भी सिंपल डॉट ही करना है और कुछ करना नहीं है, और ऐसे स्माइल बनाएंगे। फिर यहाँ पे हम चोटी भी बना सकते हैं या फिर अंबुड़ा भी बना सकते हैं। तो चोटी किस तरह से बनानी है, ऐसे सर्कल एक सर्कल उसको सर्कल सर्कल ज्वाइन करते जाना है, आपको जितनी लंबी चोटी पसंद है उतनी लंबी चोटी आप बना सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगेगा इस तरह से आप बनाओगे तो। और अगर अंबुड़ा बनाना चाहो तो इस तरह से गोल आप अंबुड़ा बना सकते हो सर्कल बना के। और यहाँ पे हम बनाएंगे फ्लावर, यह बना देंगे इस तरह से। तो फिगर तो ड्रॉ हो गई हमारी, यहाँ पे सिंपल ऐसे पैर बना देंगे। यहाँ पे जो भी डिज़ाइन आपको पसंद है, अगर आपको चुनरी बनानी है तो इस तरफ एक साइड में आपको उड़नी जो होती है चनिया चोली की, ऐसे आप लाइन बना के कर सकते हो। यहाँ पे भी आप इस तरह से डिज़ाइन बना सकते हो। अभी इसमें कलर किस तरह से करना है, हर बार हम प्लेन कलर करते हैं, तो अभी मैं आपके जो कलर बॉक्स में ये टूल्स आता है आपने देखा होगा कि इसका क्या यूज़ होता है, तो आपको पता नहीं होगा, तो यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ इसका यूज़ हम ड्राइंग में किस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पे हम मैं आपको पूरे में नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि ये लंबा वीडियो हो जाता है, इसे आपको स्किन कलर करना है फेस में हाथ में, और जो बाल है उसमें ब्राउन कलर कर सकते हैं। यहाँ पे हम कलरफुल करने वाले हैं, ये जो चनिया चोली कैसी होती है हमारी एकदम कलरफुल होती है ना, तो उसमें हम अलग अलग कलर से डिज़ाइन करेंगे और कलर करेंगे। तो ये जो टूल्स का यूज़ किस तरह से हमें करना है, नीचे कोई भी आपको लाइट कलर ओवरलैपिंग कलर करना है, नीचे कोई भी लाइट कलर कर सकते हो, मतलब येल्लो कलर है, ऑरेंज कलर है, लाइट ग्रीन कलर है, ये मैंने येल्लो कलर लिया। अभी उसके ऊपर में रेड कलर, ऊपर का जो कलर है वो आपको डार्क लेना है, मतलब नीचे वाले कलर से ऊपर का कलर डार्क होना चाहिए, और ये करने में भी आपको बहुत मज़ा आएगा, एक टाइप का आपको खेलने में जैसे मज़ा आता है वैसा ही ये आपको करने में मज़ा आएगा। इसी तरह का देखो मैंने येल्लो कलर के ऊपर रेड कलर कर दिया, तो आपको नीचे का येल्लो कलर तो दिखाई नहीं देता है, लेकिन ये टूल से हम डिज़ाइन करेंगे और येल्लो कलर दिखाई देगा। तो सिंपल मैं बता रही हूँ आपको डिज़ाइन क्या करनी है, इस तरह से लाइन भी बना सकते हो, ये जो पीस का आगे का पॉइंट वाला पार्ट होता है उससे हमें जैसे हम पेंसिल से ड्रॉ करते हैं लाइन, उसी तरह से ये पीस के आगे वाला जो पॉइंट है उससे हम इस तरह से लाइन बना देंगे। देखो कितना अच्छा लग रहा है ना, इस तरह का आपने पहले कभी नहीं किया होगा। ये मैंने लाइन बताई, अभी दूसरी टेक्निक में बता रही हूँ, यहाँ पे जो ये पार्ट आपको ट्रायंगल ट्रायंगल दिखता है ना जिग जग वाली लाइन, तो यहाँ पे अगर आप करोगे
तो ये 3 लाइन 4 लाइन एक साथ में होगी, तो ये एक टेक्निक हो गई। फिर यहाँ पे आप देखोगे तो इससे छोटी सी लाइन आपको दिखती है, तो उससे हम इस तरह आपको ये करना है, दबा के करना है, मतलब थोड़ा प्रेशर आपको देना पड़ेगा, तो ये एकदम छोटी छोटी लाइन आपको दिखेगी। फिर से क्रॉस में भी आप इस तरह से करोगे, तो ये देखो कितनी अच्छी डिज़ाइन। अगर कलर में आप ऐसी इतनी छोटी डिज़ाइन करने जाओगे तो नहीं होगी, लेकिन ये फिर से बहुत अच्छी डिज़ाइन होती है। यहाँ पे आपको जो ऐसे कलर में मैंने बताया वैसे डिज़ाइन कर सकते हो। और ये जो चनिया चोली का ऊपर का पार्ट है उसमें भी बिल्कुल वैसे ही आपको क्या करना है, नीचे लाइट कलर करना है। और ऊपर करना है डार्क, ऊपर मैं ब्लू कलर ले गई हूँ। ये पूरे में ब्लू कलर करना है। और फिर क्या करना है, अभी हम सर्कल बनाएंगे। आप चाहो तो ABCD फॉन्ट्स भी लिख सकते हो, आपको जो 1 2 3 ऐसे भी लिख सकते हो, स्टार बना सकते हो, सर्कल बना सकते हो। सर्कल किस तरह से बनाना है, ये पॉइंट से हम बनाएंगे सर्कल इस तरह का, और अंदर का जो पार्ट है इस तरह से हम निकाल देंगे इसे। तो देखो नीचे वाला ग्रीन कलर हमें दिखाई देगा। और फिर स्क्वायर हमें करना है, तो ये जो पार्ट है इससे हम खाली इस तरह से दबा के ऐसे करोगे तो बहुत ही अच्छा स्क्वायर का डिज़ाइन बनेगा। देखो इतना अच्छा दिखता है, आप स्क्वायर भी बना सकते हो, सर्कल भी बना सकते हो, बहुत ही अच्छी डिज़ाइन बनेगी। और ये जो कलर निकलता है वो हमें साइड में कर देना है ताकि आपका पिक्चर बिगड़े। तो इसी तरह से आपको ये पूरे ड्राइंग में डिज़ाइन का यूज़ खाली हमें कपड़े में ही करना है, बाकी यहाँ पे प्लेन कलर करके तो चलेगा, और बैकग्राउंड में कोई भी एक कलर करके ये पूरा पिक्चर अच्छे से कंप्लीट करना है। थैंक यू स्टूडेंट।